तो मैंने गन्स अपडेट कर ली और भाई एमओ तो बैग भर भर के रखी है यार, क्योंकि पता नहीं यार आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी अभी हमने एक चुड़ैल को मारा है, तो भाई उसकी जो दो बहनें हो तो हमारे पीछे पड़ने वाली है हाथ धो के। तो भाई इससे पहले वो हमारे सामने आए उससे पहले हमें तैयार रहना है, क्योंकि पता नहीं आगे किसको मारना पड़ जाए। तो भाई हम लोग पहले ऊपर चलते हैं यार, तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओम गेमिंग पर। तो आज हम खेलने वाले हैं रेसिडेंट एविल विलेज का 8, तो ये पार्ट 8 भी है भाई। इससे पहले वाला अगर पार्ट आपने नहीं देखा जाकर देख लो यार, मज़ा ही आ जाएगा यार। ऐसा गेम भाई बता दो आप लोग यार, 7 से भी ज़्यादा मस्त है ये तो। शायद यहाँ पे पहले आ चुका यार बिना काम, यहाँ पे मैंने चाबी ले ली है यहाँ से। तो यार तो भाई हम लोग घूमते घूमते थोड़ा गलती से यहाँ पे आ गए हैं, तो हम लोग नीचे चलेंगे तो देखते हैं नीचे जाके होता क्या है भाई। ओ भाई ये था क्या, ये कहाँ है वो दिखने। ओ भाई अबे अबे एक को मारे अभी भाई, यार इतना ताकत भी नहीं है हमारे पास, यहाँ से पहले हम लोग भागेंगे यार, क्योंकि वो बाहर तो आ नहीं सकती। पहले ही पता चल गया हमें तो, जो हम लोग जो कांस को थोड़ा था तो बाहर तो आ नहीं सकती हो। तो भाई हम लोग अंदर जाएंगे तब तो फंसने वाले हैं, तब तो हम लोग बाहर से कुछ दरवाज़ा ही ढूंढना पड़ेगा, कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा यार। भाई कहीं भी दिख नहीं रहा यार, एक जो था वो तो खुलने वाला था ही नहीं, शायद ये शायद खुल जाए, ये तो ये खुलने वाला है। ओ भाई ये दोनों चुड़ैल की माँ है यहाँ पे, तो भाई इससे तो मुकाबला तो नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई इसके सामने तो मैं थोड़ा देर भी नहीं टिक पाऊंगा इसके साथ यार। गई क्या हो? ओ भाई बड़ी जल्दी चली गई। तो भाई अभी तो पता चल गया ये ऊपर में ही है, तो हमें जो काम करना है वो थोड़ा आराम से करना है, और जल्दी इसका जल्दी से जल्दी रोज का पता लगाना है हमें यार। तो भाई यहाँ पे तो कुछ सामान दिखा नहीं रहा यार, कुछ तो मिलने वाला है यहाँ पे तो। ओ भाई ओ भाई उसे पता चल गया, एक को हमने मार दिया उसे पता चल गया भाई। ओ ये दरवाजा, इसके लिए चाबी चाहिए यार, मास्टर की कहाँ पे मिलेगा। तो भाई ये रहा हमारा मैप भी मिल गया यार, मैप को अभी अपडेट कर लेते हैं। तो भाई अभी देखो पूरा का पूरा दिखाने वाले हैं यहाँ पे, तो बाद में इसका यूज करेंगे, पहले हम जो करने आए उसको करते हैं यार यहाँ पे। भाई एक भी सामान मिस नहीं करना है, तो भाई कुछ मिले तो मिस करे यार। ये ड्रॉअर भी खाली है, सारा खाली का खाली है यहाँ पे। तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, तो मज़ा खत्म हो जाता है, ज़्यादा बोरिंग लगने लगता है। तो जल्दी जल्दी हम लोग ये दरवाजे के अंदर से चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं होता क्या है यहाँ पे। तो भाई ये क्या, ये खून है क्या इसमें? ओ भाई ये क्या, ये भाई इसमें दानव, पक्का तो दानव होंगे इसमें जब इतना भरा हुआ है खून। भाई खून के क्या वो स्विमिंग पूल में नहाते हैं क्या ये सब, या पीते हैं? ये घूमने वाला है भाई, कहीं पे दरवाजा है शायद, इधर में लगता है तो मुझे दरवाजा है यहाँ पे शायद, इसका कोड है कुछ से। इसका ये वाइन को, उसके हाथ में वाइन है, इसके हाथ में गिलास होता है, इसको उसके तरफ करते हैं। तो ये रहा भिखारी लोग जो अब कुछ दे रहे हैं शायद, तो इसके वो जो लगता है वो शायद राजा है या कुछ है। ओ भाई खुल गया। ओ भाई ये बड़ी आसान थी यार, इस अभी अभी आप लोग को दिखला है, ये खून ही था यार भाई, यार पूरा का पूरा खून ही था। तो भाई नीचे कितने खून होंगे मुझे पता भी नहीं यार। तो भाई यहाँ पे अगर ये ब्लड है यहाँ पे, तो भाई अंदर में राक्षस भी होंगे यार, उसके जो पालतू है या कुछ भी हो, तो भाई हमारे ऊपर तो टूट पड़ने वाले। तो कोई बात नहीं भाई, मैंने बहुत सारी गोलियाँ रख ली है यहाँ पे, जो आए भाई उसका मुकाबला करेंगे यार, कोई मुश्किल नहीं। ये रास्ता, ओ भाई चारों तरफ ब्लॉडी ब्लॉड। ओ भाई ओ, अरे भाई कितनों को मार के यहाँ पे जमा करके रखा ये, वो दिखा ओ भाई घुटने तक पूरा ब्लॉड है। तो ये क्या है, उठा रहे थे पहले यार। तो भाई बस हम लोग अच्छा से यहाँ से निकल जाए यार, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है यार यहाँ पे कौन मिलने वाला है हमसे। ओ अबे अबे अंदर से आ गया क्या, अंदर से आ गया, भाग गया वो। तो भाई म्यूजिक जो बैकग्राउंड वाला म्यूजिक आ रहा है, तो भाई यहाँ पे तो सन भाई क्या ये भाई इंसानों को बांध के लटकाया है क्या, डिनर टाइम लंच टाइम के लिए अलग अलग बांध के रखा है। तो भाई हमें यहाँ पे तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा, बहुत एकदम बहुत, तो क्योंकि पता नहीं भाई कौन किधर से निकल गया, कहाँ से निकल, वो कुछ दिख रहा है आगे कुछ है। ये ओए मुझे लगा ही था, ये मुझे लगा ही था। अब चल बैक, चल बैक, चल मत। ओ भाई रीलोड मत कर यार, अभी रुक जा थोड़ा सा, रुक जा अभी रुक जा।
ओ भाई मर गया मर गया। चलो 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 कोई बात नहीं, इसको तो हमने संभाल ली भाई, इसको संभाल ली। तो भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं है अभी तो, लेकिन निकलने तो उधर से आया। तो भाई अभी तो हम लोग बहुत खतरनाक में सीन में है हम लोग। अगर भाई आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार यार चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे यार। आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते यार, बस देखते हो और चले जाते हो। अरे मुझे पता ही नहीं चलता आप कहाँ से देख रहे हो, कैसे देख रहे हो यार, कैसा लगा आप लोगों को। तो भाई ये मर क्यों नहीं रही है? गया भाई, एक शायद एक और आवाज़ तो एक और की आ रही है, शायद यहाँ पर दरवाजा तो यहाँ पे है। तो भाई आगे बहुत टेंशन होने वाली है, इसीलिए थोड़ा हम लोग एकदम सावधान रहना पड़ेगा यार। ओ भाई सर ये पहले से खून पीने वाले सर, हमारे इसके हाथ में तलवार क्यों सही है? ओ भाई शॉर्ट गन की गोली मिल रही है, इसका मतलब तो भाई आगे तो बड़ा ही कुछ होने वाला है यार। तो लगता है तो अब लेकिन अभी थोड़ा शॉर्ट गन की गोली यूज नहीं करना हमें, बस थोड़ा इंतजार करते हैं। वो ये किया लेके आया। तो गाइस यहाँ पे कितने हैं मुझे भी पता नहीं यार, मैं गन भी नहीं रहा बस मार रहा हूँ, बस जितने मर जाए कोई बात नहीं, बस हमें कुछ नहीं होना चाहिए यार। सर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या, कि हमें फिर से वापस ही जाना पड़ेगा? भाई यहाँ पे कुछ छूट तो रहा है यार, कुछ ये रहा भाई, यहाँ पे गोली है। ये दरवाजा बंद करना है क्या? बंद कर देते हैं, शायद उधर से जो आने वाला वो ना आ पाए। अब थोड़ा सेफ लग रहा है मुझे अब, लेकिन उतना अभी नहीं भाई कि ये ब्लड वाला जो नदिया है वो कभी तक खत्म ही नहीं हुआ अभी तक, इतना भी सेफ नहीं लग रहा मुझे तो यार। तो भाई रास्ता अभी नहीं है क्या हमें? ओ भाई रास्ता शायद बंद हो गया है, अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा। आप लोग क्या कुछ मैं मिस कर रहा हूँ क्या यहाँ पे? जल्दी से कमेंट कर, अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट करके बताओ यार, कमेंट कर दीजिए यार, मुझे कुछ पता नहीं चला यहाँ पे, रास्ता ही नहीं दिख रहा मुझे तो। क्या मिस कर दिया, कहाँ पे है, कहाँ पे भाई, भाई है कहाँ पे? ओ मैं गोली चला रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ क्या, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, जाना कहाँ है फिर? ओ ऊपर में शायद, ओ रहा सीढ़िया शायद, कोई इधर में देख लेता हूँ क्या है यार। ये कुछ वाइन हुआ है, वाइन का है ना, कहाँ है? कुछ भी नहीं यहाँ पे तो। भाई मैं खो गया यार, कहाँ जाऊँ मैं यार? अरे कोई को बता दो यार, बताओ जल्दी से यार, जाना कहाँ पे है? इधर से शायद मैं आया था, इधर से ही आया था मैं तो यार। ओ ये रहा, ये मैंने मिस कर दिया यहाँ से। ओ देखा वहां से कोई एक निकलने वाला है, कोई तो निकलने वाला वहां से। ओ बे भूतनी के डरा क्यों रहा है ये? अब साला प्यार से तो निकल सकता था भाई, मुझे डरा दिया उसने यार। साला डराता है, बच्चे की जान ले क्या? तो गाइस ये जो गुफा है वो कितना लंबा है और कहाँ तक जाने वाला है ये गाइस, मुझे भी ओ भाई तो भाई इससे तो काम, ओ भाई उसने मार ही दिया, लगभग मार ही दिया था उसने यार। ओ भाई गया किधर? ओ भाई शॉटगन से इसको फोड़ना पड़ेगा ये। ओ एक और आ रही है, ये लड़का है लड़की मुझे भी पता नहीं यार, बस मार देते हैं क्या करें। ओ भाई शॉटगन से कुछ नहीं हुआ, एक गोली और खा लेंगे। तो भाई लगता है ना यहाँ पर शायद क्लियर हो चुका है सब कुछ। ये बड़ा मस्त सामान मिल रहा है, इसको सबको ले आकर बेचेंगे साला, बहुत सारे ले मिलेंगे, बहुत सारे गन तो नहीं खरीद सकते, साथ यहीं पे कहीं में मिलेगा यार, क्योंकि गन का जो है वो लेवल अप कर सकते हैं, उसको खरीद नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो कोई कुछ मिलेगा तो और रख सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ गन मिला या कुछ भी मिला उसको हम लोग रख सकते हैं, लेकिन खरीद तो नहीं सकते मार्क। इसको मिस कर दिया मैंने यार, अच्छा हुआ मिल गया यार, नहीं तो मुझे छोड़ के जा रहा था इसे तो। कुछ आवाज यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे, कुछ था शायद, तो आज नहीं निकलेगा अब।
था भी तो सारे जितने थे उन सबको, इन सबको मार दिया मुझे लगता है, कुछ सबको मार दिया मुझे। तो भाई पीछे में मैंने कुछ छोड़ दिया क्या वहां पे? रेडी लगा, रेडी मार के लगाया अभी तक भैया, क्या किया जाए? वापस आकर देखा जाए। अरे क्या देखो यार कुछ। तो भाई यहाँ से निकलने का रास्ता जो मुझे मिल गया, ये शायद शॉर्टकट है या कुछ भी हो। तो यहाँ पे ओ भाई एक और ये लास्ट वाला साइड लगता तो है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद तो इससे मुलाकात तो फिर नहीं होगी शायद। तो इसको भी भाई हमने ख़त्म तो कर दिया। शॉटगन बड़ा मस्त लगता है मुझे, और अभी ऑपरेट करने के बाद दो गोली में ख़त्म। तो इससे पहले वाले में तो एक शॉट में लगता था। तो भाई रास्ता तो बंद हो गया शायद। ये क्या है? ये कुछ लिफ्ट जैसे लग रहा है मुझे तो। सर इसको इसको तानने से हम लोग शायद ऊपर जाए या नीचे जाएंगे यार शायद। चलो कोशिश कर लेते हैं यार, लिफ्ट ही है ये। आप लोग क्या लगता है, लिफ्ट ही है ना? ओ भाई लिफ्ट ही है भाई, क्या मस्त लिफ्ट है यार। तो भाई डायरेक्ट ऊपर आ गए, सेकंड फ्लोर पर है क्या? लगता है सेकंड फ्लोर पर ही है, लेकिन डायरेक्ट ऊपर आ गए। ये बड़ा मजा था साला, जाने के टाइम इतना मुश्किल, आने के टाइम आसानी से आ गए। तो भाई हमें उस पार जाना है, क्योंकि मदर मिरांडा का जो, ओ भाई जो उसका प्राइवेट चैम्बर है शायद यहीं पे, वो बज रहा है उसका, उसका फोन बज रहा है यार। तो वो यहीं पे पक्का, यहीं पे होगी, तो वो यहीं पे रही। ओ भाई सिगरेट पी रही है यार, कितना लंबा सिगरेट है ये तो। अबे उठा ले भाई, नीचे से क्या मस्त फिगर लग रहा है यार। आप लोग भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ क्या? अरे हाँ तो हाँ, जल्दी से लिख के पढ़ाओ यार, ना तो मत पढ़ाओ। मदर मिरांडा, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. तो भाई ये तो बहुत गुस्से में, उसे पता है उसके बेटी को जो था उसको मार दिया। अब कौन से वाली को मारा तो मैं तो नहीं जानता यार, लेकिन जो अब ये बोल रही है उसको, इथन को खोज लिया तो मैं मार दूंगी उसे। तुम जो मदर मिरांडा है जो बोल रही है कि मारना मत उसे, सेरेमनी के लिए काम सही है, क्योंकि जो रोज है वो रोज का फादर है, उसके भी काम लगेगा। तो भाई हम तुम्हें तो ये नहीं मारने वाले शायद, अभी उतना तो 100% तो नहीं है, लेकिन मारने वाले नहीं है। तो भाई वैसे फिर से यहाँ से चली गई। तो भाई ये कितना लंबा ये हो भाई, एक गोली मार के देखता हूँ, फटा नहीं, ये भी नहीं फटा। तो भाई एक साथ मतलब ये ओरिजिनल है। तो ये क्या है भाई? अरे भाई इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ यार, हथियार हटाओ इसको यार, इतना पढ़ा लिखा होता तो यहाँ पे गेम थोड़ी खेलता मैं। तो भाई ये तो लगता है ये मिस्टेक की, अरे भाई ये सच है, इससे सब दरवाजे खुलने वाले, इसी से खुलेंगे शायद। तो भाई यहाँ पे पालना है, तो लगता है रोज को उन्होंने यहीं पर रखा था, क्योंकि डुक ने बताया था कि प्राइवेट चैम्बर में था शायद, उसका प्राइवेट चैम्बर है या कुछ है। तो ये दरवाजा तो खोलने वाला है भाई, ये दरवाजा उधर से लॉक है, क्योंकि वो जो अभी चुड़ैल थी वो बड़ी वाली चुड़ैल और छोटी वाली तो मार दिया हमने, यहीं से गई है। तो यहाँ के ये वाला दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। चल चाबी यूज कर ले भाई, अरे चाबी कब काम, यही चाबी से खुलने वाली है। तो भाई वो भी उधर से आ रही है। ओ भाई हमारी छोटी तो पकड़े गई यार। What the hell? भाई उसने एक हाथ से उठा लिया। Selfish wretch, you come into my house. You lay your filthy man hands on my daughters and now you even अबे छोड़ेगी अभी नहीं, ऐसे पकड़ के मार देगी। ओ भाई ओ डैड, ओ भाई Rest while you can. भाई जमीन के अंदर हमें डायरेक्ट फेंक दिया यार। तो भाई यहाँ जरूर से निकलते ना, तो हमें हमें पका पका खाने वाली हो तो यार। ओ भाई हमें मारने वाली हो, अब चाहते हो मार दे, लेकिन मर्द मेरे अंदर जो बोला था उसे मारना नहीं है, इसलिए सच नहीं मारा। तो भाई यहाँ से हमें जल्दी से निकलना है, तो ये अब अगले पार्ट में अब कैसे निकलते हैं देखना। जल्दी से सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दो। चलो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।